हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश बड़गियार। अभी हम देखने वाले हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है मिड पॉइंट सर्कल ड्राइंग एल्गोरिदम। तो ये भी बहुत ही आसान एल्गोरिदम है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है इसको। तो इसका वो वर्किंग अभी हम देखने वाले हैं कि ये क्या काम करता है, कैसे काम करता है। तो पिछला जो एल्गोरिदम हमने देखा, बेज़नम्स एल्गोरिदम, ये भी उसी तरीके से थोड़ा बहुत काम करता है। तो देखिए, इट यूजेस एट वे सिमेट्री ऑफ द सर्कल टू जनरेट सर्कल। तो एट वे सिमेट्री, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या देखा था हमने, जो ये हमारे ऑक्टेन रहते ना, फिर से बताता हूँ मैं, ये हमारा क्वाड्रेंट है और ये हमने उसके आठ पार्ट कर लिए, आठ पार्ट है इसको, और इस एक पार्ट को हम ऑक्टेन कहते हैं। तो ये एट पार्ट, मतलब ए एट पार्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसका वन बाय एट पार्ट, यानी कि सिर्फ इतना ही पार्ट हम ड्रॉ करेंगे और बाकी का जो पार्ट है वो रिफ्लेक्शन से ड्रॉ होगा। यानी कि जो एक्स एंड वाई की जो वैल्यू है वो सिर्फ हम चेंज करेंगे और उससे वो बाकी का सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। तो ये यानी कि क्या होता है, एट वे सिमेट्री। तो इससे हम मतलब मिड पॉइंट एल्गोरिदम भी इससे ही, इसके ऊपर से ही वर्क होता है। तो उसके बाद में देखते हैं द एक्स मूव्स इन पॉजिटिव डायरेक्शन। ये मिड पॉइंट में क्या होता है, एक्स ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करता है और वाई ये हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है। तो मिड पॉइंट एल्गोरिदम में ये होता है। उसके बाद में एंड द डिसीजन पैरामीटर इज यूज टू डिटरमाइन विच पिक्सल इज क्लोजर टू द सर्कल। यानी कि जो हमारा जो डिसीजन पैरामीटर है वो क्या करता है, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा सर्कल है, मतलब एक पार्ट है सर्कल का, एक लाइन सर्कल की एक लाइन है पार्ट ऐसा। तो ये पार्ट, मतलब देखिए अभी ये हमारा जो ये है पॉइंट, ये हमारा एक पिक्सल है, ये हमारा एक पिक्सल है। तो इनमें से जो पास में का जो पिक्सल रहेगा, अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिक्सल है, ये एक पिक्सल है। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कौन सा पिक्सल चूज करेंगे, जो पास में रहेगा वो चूज करेंगे। तो इसके लिए हम ये वाला पिक्सल चूज करेंगे। तो इस पिक्सल से हम हमारी लाइन ड्रॉ होगी। तो ये काम हमारा मिड पॉइंट एल्गोरिदम करता है। सो बाय दिस सिलेक्ट वी पिक्सल एंड सो ये एल्गोरिदम भी हमारा बेज़नम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम से सिमिलर है। बेज़नम्स को हम बेशरम एल्गोरिदम भी कभी कभी कह देते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बेशरम है। तो ये था हमारा मिड पॉइंट एल्गोरिदम का वर्किंग। तो ये बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम है, मतलब जैसे कि जैसा ये हमारा बेज़नम्स एल्गोरिदम का जो वर्किंग था उसी तरह का ये वर्किंग है, लेकिन यहाँ पे हम मिड पॉइंट से मिड पॉइंट का इस्तेमाल करके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे जो पॉइंट है उनको थोड़ा इंक्रीमेंट करके उसका वो काम करते थे। यहाँ पे भी हम वैसे ही करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक्स को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं और वाई को नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये सारा काम इस एल्गोरिदम में होता है। तो आगे हम हमारा एल्गोरिदम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए भाई।